व्यक्ति जिन दबाव का अनुभव करते हैं वे तीव्रता इंटेंसिटी कम बनाम अधिक तीव्र, अवधि ड्यूरेशन अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक, जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी कम बनाम अधिक जटिल, तथा भविष्य कथनीयता प्रिडिक्टेबिलिटी अप्रत्याशित बनाम पूर्वानुमेय में भिन्न हो सकते हैं। किसी दबाव का परिणाम इस पर भी निर्भर करता है कि उपरोक्त आयाम पर किसी विशिष्ट दबावपूर्ण अनुभव का स्थान क्या है। प्रायः वे दबाव जो अधिक तीव्र दीर्घकालिक या पुराने जटिल तथा अप्रत्याशित होते हैं वे अधिक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं, बजाय उनके जो कम तीव्र अल्पकालिक कम जटिल तथा अप्रत्याशित होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा दबाव का अनुभव करना उसके शरीर क्रियात्मक बल पर भी निर्भर करता है। अतः वे व्यक्ति जिनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब है तथा दुर्बल शारीरिक गठन के हैं, उन व्यक्तियों की अपेक्षा जो अच्छे स्वास्थ्य तथा बलिष्ठ शारीरिक गठन वाले दबाव के समक्ष अधिक असुरक्षित होंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जैसे मानसिक स्वास्थ्य, स्वभाव तथा स्वयं संप्रत्यय भी दबाव के अनुभव के लिए प्रासंगिक है। वह सांस्कृतिक संदर्भ जिनमें हम जीवन यापन करते हैं किसी भी घटना के अर्थ का निर्धारण करते हैं तथा यह भी निर्धारित करते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार की अनुक्रिया अपेक्षित है। अंततः दबाव के अनुभव किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन जैसे धन, सामाजिक कौशल, सामना करने की शैली, अवलंब का नेटवर्क इत्यादि द्वारा निर्धारित होते हैं। ये सारे कारक निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट दबावपूर्ण परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे होगा। दबाव के संकेत और लक्षण। हर व्यक्ति दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व, पालन पोषण तथा जीवन के अनुभव के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति के दबाव अनुक्रिया के अलग अलग प्रतिरूप होते हैं, अतः चेतावनी देने वाले संकेत तथा उनकी तीव्रता में भिन्न भिन्न होती है। हम में से कुछ व्यक्ति अपनी दबाव अनुक्रियाओं को पहचानते तथा अपने लक्षणों की गंभीरता तथा प्रकृति के आधार पर अथवा व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर समस्या की गहनता का आकलन कर लेते हैं। दबाव के लक्षण शारीरिक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक होते हैं। कोई भी लक्षण दबाव की प्रबलता को ज्ञापित कर सकता है, जिसका यदि निराकरण न किया जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दबाव के प्रकार। दबाव अर्थात भौतिक एवं पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक बताए गए हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दबाव के ये सभी प्रकार परस्पर संबंध है। भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव। भौतिक दबाव वे मांगे हैं जिसके कारण हमारी शारीरिक दशा में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। हम तनाव का अनुभव करते हैं। जब हम शारीरिक रूप से अधिक परिश्रम करते हैं तो पौष्टिक भोजन की कमी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, निद्रा की कमी हो जाती है। पर्यावरणीय दबाव हमारे परिवेश की वैसी दशाएँ होती हैं जो प्रायः अपरिहार्य होती हैं, जैसे वायु प्रदूषण, भीड़, शोर, ग्रीष्मकाल की गर्मी, शीतकाल की सर्दी इत्यादि। एक अन्य प्रकार के पर्यावरणीय दबाव प्राकृतिक विपदाएं तथा विपाती घटनाएं जैसे आग, भूकंप, बाढ़ इत्यादि। मनोवैज्ञानिक दबाव। यह वे दबाव होते हैं जिन्हें हम मन में उत्पन्न करते हैं। ये दबाव अनुभव करने वाले व्यक्ति के विशिष्ट होते हैं तथा दबाव के आंतरिक स्रोत होते हैं। हम समस्याओं के बारे में परेशान होते हैं, दुश्चिंता करते हैं या अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ये सभी केवल दबाव के लक्षण ही नहीं बल्कि हमारे लिए दबाव को बढ़ाते हुए। मनोवैज्ञानिक दबाव के कुछ प्रमुख स्रोत कुंठा, द्वंद, आंतरिक एवं सामाजिक दबाव इत्यादि हैं। जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों को अवरुद्ध करती है, जो हमारे इस लक्ष्य के प्राप्ति में बाधा डालती है, तो कुंठा फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होती है। कुंठा के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे सामाजिक भेदभाव, अंतर्व्यक्तिक क्षति, स्कूल में कम अंक प्राप्त करना इत्यादि। दो या दो से अधिक असंगत आवश्यकताओं तथा अभिप्रेरकों में द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे क्या नृत्य का अध्ययन किया जाए या मनोविज्ञान का। आप अध्ययन को जारी भी रखना चाह सकते हैं या कोई नौकरी भी करना चाह सकते हैं। आपके मूल्यों में भी द्वंद तब हो सकता है जब आपके ऊपर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए दबाव डाला जाए जो आपके जीवन मूल्यों के विपरीत हो। आंतरिक दबाव, इंटरनल प्रेशर, हमारे अपने उन विश्वासों के कारण उत्पन्न होते हैं जो हमारी ही कुछ प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि मुझे हर कार्य में सर्वोत्तम होना चाहिए। इस प्रकार की प्रत्याशाएं केवल निराश ही करती हैं। हमें से अनेक अपने लक्ष्य तथा अवास्तविक अत्यंत उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निर्दयता से स्वयं को प्रेरित करते हैं। सामाजिक दबाव, सोशल प्रेशर उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह दबाव तब भी और बढ़ जाता है जब हमें इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ हम अंतर्व्यक्तिक कठिनाई होती है। इस प्रकार से व्यक्तियों की ठकराहट, सामाजिक दबाव, ये वे बाह्य जनित होते हैं तथा दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतर्क्रियाओं के साथ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु या बीमारी, तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी सामाजिक दबाव के कारण उत्पन्न है कुछ उदाहरण है। यह सामाजिक दबाव व्यक्ति में बहुत भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति जो अपने घर में शाम को शांतिपूर्वक बिताना चाहता है, उसके लिए उत्सव या पार्टी में जाना
दबावपूर्ण हो सकता है, जबकि किसी बहुत मिलनसार व्यक्ति के लिए शाम को घर में बैठे रहना दबावपूर्ण हो सकता है। दबावपूर्ण जीवन घटनाओं की एक मापनी। जीवन घटनाएं माध्य दबाव अंक। परिवार में किसी निकट संबंधी की मृत्यु 66, अप्रत्याशित दुर्घटना या अभिघात 53, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी 52, मित्र से संबंध टूटना 47, परीक्षा में बैठना 43, भोजन की आदतों का परिवर्तन 27। दबाव के स्रोत। उन घटनाओं तथा दशाओं का प्रसार बहुत ही विस्तृत है जो दबाव को उत्पन्न करती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जीवन में घटने वाली वे प्रमुख दबावपूर्ण घटनाएं जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या व्यक्तिगत चोट, खीज उत्पन्न करने वाली दैनिक जीवन की परेशानियां जो बहुत आवृत्ति के साथ घटित होती है, तथा अभिघात घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जीवन घटनाएं। जब हम पैदा होते हैं तभी से बड़े और छोटे एकाएक उत्पन्न होने वाले धीरे धीरे और धीरे धीरे घटित होने वाली परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हम छोटे तथा दैनिक होने वाले परिवर्तनों का सामना करना तो सीख लेते हैं, किंतु जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं दबावपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि वे हमारी दिनचर्या को बाधित करती हैं और उथल पुथल मचा देती हैं। यदि इस प्रकार की घटनाएं चाहे वे योजनाबद्ध हो जैसे घर बदलकर नए घर में जाना, या पूर्वानुमानित ना हो जैसे किसी दीर्घकालिक संबंध का टूट जाना, कम समय में अवधि में घटित होती है तो हमें उनका सामना करने में कठिनाई होती है तथा दबाव के लक्षणों के प्रति अधिक प्रवण होते हैं। परेशान करने वाली घटनाएं। इस प्रकार के दबाव की प्रकृति व्यक्तिगत होती है जो अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के कारण बनती हैं। कोलाहलपूर्ण परिवेश, प्रतिदिन का आना जाना, झगड़ालू पड़ोसी, बिजली पानी की कमी, यातायात की भीड़ भाड़ इत्यादि ऐसी कष्टप्रद घटनाएं हैं। एक गृह स्वामिनी को भी अनेक ऐसी आकस्मिक कष्टप्रद घटनाओं का अनुभव करना पड़ता है। कुछ व्यवसाय में ऐसी परेशान करने वाली घटनाओं का सामना बारंबार करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी परेशानियों का महत्वपूर्ण बहुत तबाहीपूर्ण परिणाम उस व्यक्ति के लिए होता है जो उन घटनाओं का सामना अकेले करता है, क्योंकि बाहरी दूसरे व्यक्तियों को इन परेशानियों की जानकारी भी नहीं होती कि जो व्यक्ति इन परेशानियों के कारण जितना ही अधिक दबाव अनुभव